अगर क्या चीज है आप कर सकते हो जिससे कि आपकी स्लीप ठीक हो जाए। नंबर 1 चीज, अगर तो आप कैफीन लेते हो, अगर आप अल्कोहल लेते हो यानी चाय कॉफी ज्यादा लेते हो, अल्कोहल ज्यादा लेते हो, तो उसको कर दो कम या बंद। कुछ दिन के लिए बंद कर दो, कुछ दिन के लिए कम कर दो, राइट? दैट विल हेल्प यू गेट अ बेटर स्लीप। कम से कम शाम को यानी सोने का जो भी आपका टाइम है उससे 6 घंटा पहले, मतलब उससे 6 घंटे के गैप में कोई कॉफी नहीं लेना, कॉफी चाय नहीं लेना 6 घंटे गैप में, बिकॉज कॉफी चाय कैफीन का 6 घंटे इफेक्ट रहता है। 6 घंटे तक वो आपको सोने नहीं देगा, देगी, वट एवर यू कॉल इट, राइट? सो दैट इज द इफेक्ट। फिर अगर आपका इरेगुलर टाइम है सोने का तो उसको फिक्स करो, डेली एक ही टाइम पे सोने जाओ, डेली एक ही टाइम पे उठो, इसको फिक्स करने की कोशिश करो, राइट? ये एक ट्राई में नहीं होता, इसको कोशिश करने से ही कामयाब, कोशिश करोगे तो ठीक होगा, राइट? दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, दैट्स व्हाट यू कैन डू हियर। देन उम्र के साथ आपको थोड़ा बहुत स्लीप प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ये मुझे भी सबको भी मतलब सबको आएगा, तो कोई भी इससे छूटा नहीं है। एजिंग के साथ अगर आपको एक बार में पूरी नींद नहीं आती है तो छोटे छोटे हिस्सों में पूरी अपनी 7 to 8 9 आवर्स की नींद पूरी करें, छोटे छोटे हिस्सों में करें, चाहे कैसे भी करें, आपको नींद इंपॉर्टेंट है, पूरा वो टाइम पूरा करना, राइट? दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दिस इज इट। और अगर आप एक लाइफस्टाइल अपना चेंज करेंगे, जैसे एक हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन, तो आपको नींद बेटर आएगी। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी छोड़िए, तो आपको नींद बेटर आएगी। अगर आपको मान लीजिए एनजाइटी है, तो फिर आप उसकी थेरेपी लेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट करते हैं, दैट ऑल्सो मेक्स इट बेटर एनजाइटी के केस में। एक्सरसाइज विल हेल्प एनजाइटी के केस में, स्ट्रेस के केस में स्ट्रेस हटाना है, स्लीप एपनिया के केस में सीपैप या बाईपैप की मशीन लगानी है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, सीपैप। सीपैप की मशीन क्या होती है, ऐसे लगाते हैं, वो आपका एयरवे बंद नहीं होने देती स्लीप एपनिया के केस में। ब्राइट लाइट थेरेपी होती है कई बार इन द मॉर्निंग, ताकि आपके ब्रेन को स्टिमुलेशन मिले, भाई सुबह हो गई, जागो जागो, राइट? दैट इज वन मेडिसिन, देन कमिंग ऑन टू मेडिसिन, क्या हमें स्लीपिंग पिल्स लेना चाहिए? देखिए डॉक्टर्स इसको तभी देते हैं अगर किसी और तरीके से नींद नहीं आ रही, और आपकी नींद वैसे ही आप 4 दिन 5 दिन हो गए नहीं सोए, हालत इतनी खराब है, बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आपका शरीर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो फिर कुछ दिनों के लिए, रिमेम्बर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्लीपिंग पिल्स लेने में कोई नुकसान नहीं। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्लीपिंग पिल्स लेने में कोई नुकसान नहीं है। माइल्ड स्लीपिंग पिल्स हो, मॉडरेट स्लीपिंग पिल्स हो, हैवी स्लीपिंग पिल्स हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेने की जरूरत नहीं है, लेने की कोई नुकसान नहीं है, उसके ओवरडोज लेने की जरूरत नहीं है, हैवी मस्तियां नहीं करनी है, और बहुत लंबे समय तक लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबे समय तक अगर आपको नींद आ गई है, तो देन यू हैव टू वर्क ऑन योर लाइफ स्टाइल, ऑन योर थिंग्स विच डोंट मेक यू स्लीप। अच्छी हैबिट्स लो, बाकी सब जो ऊपर के पॉइंट्स बताए उन पे काम करो, ताकि आप सो पाओ, राइट? और फिर कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जी हाँ जी हाँ जी हाँ आते हैं। उनमें क्या है, उनमें है एक तो है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन जो कि कई अब कैप्सूल पिल फॉर्म में भी आ गया है, तो मेलाटोनिन आप लेते हैं तो भी आपकी कई लोगों की स्लीप बेटर होती है। हर एक की होगी ऐसा गारंटीड नहीं है, कई लोगों में होती है, कई में नहीं होती है। आप अपने डॉक्टर से बात करें मेलाटोनिन के बारे में, और ये भी जनरली शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, तो आपको अपनी बॉडी में लाइफस्टाइल ठीक तो करना ही करना पड़ेगा, और कारण तो समझना ही पड़ेगा। तो एवरी सिंगल पॉइंट इज वैलिड, एवरी सिंगल पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मेक श्योर कि कोई भी उल्टी सीधी दवा, कोई भी चीज करने से पहले, एटलीस्ट दवा लेने से पहले, आप अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर से जाके डॉक्टर से सलाह लें। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना गलत है, चाहे आप कुछ दिनों के लिए ले रहे हैं। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट।